नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी पराशर और आप देख रहे हैं पाठक की नज़र से। छपरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार। छपरा पुलिस को थी 4 सालों से इंतजार, साथ में कई हथियार और कैश भी हुए बरामद। 50,000 का इनामी, दर्जनों कांडों का वांछित अपराधी गिरोह का सरगना राजेश सिंह अपने 3 साथियों के साथ हुआ गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 13 कारतूस, लूट की 2 मोटरसाइकिल, बैंक लूट के दौरान लूट की मोबाइल सहित लूट की 32,000 नकद भी हुए बरामद। झारखंड पुलिस की सहयोग से सभी को सारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले का कुख्यात अंतर्राज्य अपराधी राजेश सिंह के ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा लूट हत्या के मामले सारण के अलावा झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि जगहों पर दर्ज हैं। इनका गिरोह कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग राज्यों में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां एक पेट्रोल पंप से 87 लाख रुपए लूट लिए गए थे। एक सप्ताह पूर्व सारण जिले के एकमा में एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जिसका परिणाम कुख्यात अपराधी राजेश व उसके गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सारण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सारण पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस लगातार इस गिरोह के पीछे लगी हुई थी और जैसे ही पता चला कि यह गिरोह झारखंड के खूंटी में शरण लिए हुए है, झारखंड पुलिस के सहयोग से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए? कैसे अपराध? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की ये उपलब्धि सारण जिला पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये 50,000 का इनामी राजेश सिंह, जो 2 दर्जन से भी अधिक कांडों में वांछित था, लगातार 4 साल से इसका अपराध अनवरत रूप से चल रहा था। ये अंतर्राज्यीय लूट, सुपारी हत्या, डकैती गिरोह का सरगना है और यह न केवल बिहार बल्कि उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कई राज्यों में बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। और आज की उपलब्धि, इस पर 50,000 का इनाम बिहार पुलिस के मुख्यालय के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा भी घोषित किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग 3 और, धर्मेंद्र तिवारी, हरजीत मिश्रा और नागमणि सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इनके निशानदेही पर 4 पिस्टल बरामद हुआ है, जिसमें से अभी हाल में आप सभी को पता है कि एकमा में एक फौजी की हत्या हो गई थी। उस हत्या को कारित करने के लिए जिस पिस्टल की को प्रयोग में लाया गया था, उसे भी बरामद कर लिया। उस घटना स्थल से एक मोटरसाइकिल भी इन लोगों ने वहां से लूट करके भाग गया था, उस मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया। इसके साथ साथ इस आज के इस उद्भेदन से और गिरफ्तारी से एक और महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि रही है कि ये लोग उड़ीसा से अभी एक बैंक की घटना को, लूट की घटना को कारित करके वापस आ रहे थे और हमारे यहाँ भी एक गोरा ओपी के अंतर्गत केनरा बैंक लूटने की योजना बना रहे थे, बना करके ये यहाँ पर भी लूटने आ रहे थे। तो हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की थी, जो इनके हर एक गतिविधि पर निगरानी रखते हुए, इनके गिरोह के सदस्यों पर भी लगातार निगरानी रखे हुए थे। और इसी क्रम में हमने सूचना प्राप्त हुई कि लोग झारखंड में खूंटी जिला है, रांची के बगल में ही है, वहां पर वापस आ रहे थे। इसी क्रम में हमें सूचना थी और हमारी टीम वहाँ लगातार कैंप कर रही थी और हम लोगों को खूंटी जिला पुलिस से, झारखंड पुलिस से भी सक्रिय सहयोग मिला और हम लोगों ने इसको वहाँ से दबोच लिया। उसके पश्चात इनसे सघन पूछताछ जारी है और इसी क्रम में इन कांडों का, जो मैंने जिक्र किया, ये महत्वपूर्ण कांड सामने आए हैं। इनके द्वारा ही पानापुर में गंधन बैंक लूट की घटना और ये जो विस्तृत जिक्र है वो इसमें है। इस CSP लूट, मार्ग लूट, दर्जनों जो है लूट की घटना, मोटरसाइकिल लूट की घटना, कई प्रकार की घटना है। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और विषय है इसमें कि इन लोगों के द्वारा महाराष्ट्र में एक पेट्रोल पंप से 87 लाख रुपए की लूट की गई, वो भी इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में इन्होंने उद्घाटित किया है। जो बरामदगी आप देख रहे हैं,
इसमें 32,000 रुपये के करीब जो बरामद अभी हम लोगों के पास आ चुका है वो उड़ीसा के लूट की इन्होंने बताया है कि वहीं से है। उड़ीसा के लूट के दौरान इन लोगों ने बैंक कर्मियों का एक मोबाइल भी लूटा जो कि बरामद हो चुका है, साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल भी जो वहाँ प्रयोग किया था वो भी बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी सफलता है, विस्तृत विवरण इसमें है। क्या क्या मिला है सर? है 13 जिंदा कारतूस है, 2 मोटरसाइकिल है जो कि हत्या में प्रयुक्त, हत्या के घटनास्थल से लूटा गया था और लूट के कारण में प्रयुक्त भी हुआ था, 4 मोबाइल फोन बरामद हुआ है और जो लूट की गई थी उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा के उड़ीसा में उसमें भी जो है जो मोबाइल लूटा गया था वो बरामद हुआ, पैसा बरामद हुआ है। साथ ही साथ अभी पूछताछ जारी है और भी कांड, कई जो गंभीर कांड है उसके खुलासे की नहीं हुई। ₹50,000 का इनाम राज्य स्तर से था, ₹5,000 के का इनाम जिला स्तर से घोषित किया गया था SP के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा, DDP सर के द्वारा भी 50,000 का इनाम। कुछ और लोग हैं सर इनके साथ जो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों का छोटा छोटा समूह बनाते हैं और ये वहाँ पर घटना कारित करते हैं, फिर अपना जगह बदल लेते हैं। ये जैसे अगर बिहार में किया तो फिर उड़ीसा चले जाएंगे, झारखंड जाकर के रहेंगे, फिर वहाँ जो इनका ग्रुप है और कुछ लोग इसमें कॉमन है जो उसके साथ ट्रेवल करते हैं उसके साथ रहते हैं। सरगना कौन इसके इनका? राजेश सिंह इसका सरगना है और जो हमारे यहाँ भी है पूर्व में, ये उड़ीसा में पूर्व में भी ये जा चुका है जेल, लूट और हत्या, मतलब लूट करने के बाद हत्या भी कर दिया था उस केस में, ये जेल भी इनमें भी था, वहाँ से इसको बेल हुआ था। तो इसका कार्यक्षेत्र जो है मुख्य रूप से बिहार के सारण जिले और सीमावर्ती जिले जैसे कि गोपालगंज, सिवान इत्यादि, और साथ ही साथ उड़ीसा और झारखंड, और कभी कभार जैसे अभी तो हमारे सामने जो आया है वो महाराष्ट्र में भी इन्होंने लूट की है। तो और भी चीज़ पूछताछ के बाद सामने आएगी और सारण जिला पुलिस को इसकी तलाश पिछले 4 सालों से थी।